नमस्कार, गुड मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी आज की ताजा खबरें। विश्वविद्यालयों में छात्रों का टोटा, 680 सीटों के लिए मात्र 88 आवेदन, अन्य सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में है विद्यार्थियों की भरमार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने सोमवार को अपने 10वीं और 12वीं के रुके हुए परिणामों को किया जारी। वोकेशनल परीक्षा के रुके हुए थे परिणाम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को दिया तोहफा, विभिन्न सेवाओं में 850 अफसरों की नियुक्तियां। राजस्थान सरकार की नामांकन बढ़ाने की अनूठी कवायद, आज होने वाली बाल सभाओं में 1.27 लाख जनप्रति लेंगे हिस्सा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं आज से प्रारंभ, 10 जुलाई तक चलेंगी परीक्षाएं। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन में सक्रिय भागीदारी का आह्वान, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की प्रदेश कार्यकारिणी ने किया आह्वान। लंबे अवकाश के बाद स्कूलों में दिखी रौनक, स्कूलों में आज आयोजित होंगी बाल सभाएं, तैयारियां जोरों से प्रारंभ। 22 जिला स्तरीय बाल सभाओं में देंगे अधिकारी सम्मेलन, सार्वजनिक स्थानों पर आज होगी बाल सभाएं, और नामांकन बढ़ाने प्रेस उत्सव के लिए निकाली रैलियां। MBBS के लिए NRI सीटों का आवंटन, दूसरे राउंड के बाद मोपअप राउंड में भी कर सकेंगे सीट पर आवेदन। RAS 2016 में सफल 760 अभ्यर्थियों को 20 माह बाद आखिरकार सर्विस आवंटन, प्रदेश को मिलेंगे 92 अफसर। सात सौ 25 पदों के लिए हुई थी परीक्षा, MBC कोटा लागू करके कुल के 35 छाया पद सृजित। RAS अभ्यर्थियों की लंबे समय से चल रही थी मांग, नियुक्ति नहीं होने से सीनियरिटी में हो रहा था नुकसान। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा परीक्षा का आयोजन कल, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी परीक्षा। प्रारंभिक सेटअप के स्कूलों को 11,985 टीचर्स मिलेंगे जल्द, काउंसलिंग 4 या 5 जुलाई को प्रारंभ। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में विभिन्न पदों हेतु निकाली वॉक इन इंटरव्यू विज्ञप्ति। राजस्थान में 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों के लिए विभिन्न पदों पर 10, 11 व 12 जुलाई को लिए जाएंगे साक्षात्कार। राजस्थान अधीनस्थ सेवा में MBC कैटेगरी के तहत सिलेक्शन, पहली बार गुर्जर समाज की बेटियां बनी RAS और RPS। प्रदेश में 17,000 फार्मेसिस्टों की जरूरत, चिकित्सा विभाग में 6,640 पद ही स्वीकृत, भर्ती के बाद भी 2,000 पद खाली। नई भर्तियों को लेकर जयपुर में जुटे बेरोजगार, प्रदर्शन के दौरान 2 युवतियों की तबीयत खराब, SMH अस्पताल में किया भर्ती।
प्रयोगशाला सहायक की भर्ती प्रक्रिया फिर विवादों के घेरे में। जांच के दौरान पाए गए कई अभ्यर्थियों के फर्जी प्रमाण पत्र। स्कूलों की तर्ज पर सरकारी कॉलेजों में भी सीवरा पंचांग लागू। निदेशालय की ओर से पहल, विद्यार्थियों की बढ़ेगी भागीदारी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में जुलाई 2019 सत्र के लिए यूजी पीजी सहित डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ। EWS आरक्षण का मामला 15 के बजाय 45 दिन में बन रहे हैं प्रमाण पत्र। 660 से अधिक सीटें खाली रहने की संभावना। शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2019-20 का सीवरा पंचांग किया जारी। इस सत्र में 247 दिन स्कूलों में होगी पढ़ाई, 14 दिन अवकाश किए कम। नए सीवरा पंचांग में शीतकालीन अवकाश 25 से 31 दिसंबर और गर्मी की छुट्टियां होंगी 17 मई से 30 जून। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 11 से 24 दिसंबर तक और 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश के बाद 1 जनवरी 2020 को खुलेंगे स्कूल। सीवरा कैलेंडर के अनुसार शिक्षण सत्र 2019-20 की वार्षिक परीक्षाएं 9 से 24 अप्रैल तक और स्थानीय परीक्षाओं का परिणाम 30 अप्रैल को घोषित। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की ओर से जारी बीएससी प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियां, परीक्षा के बाद भी छात्र को बताया अनुपस्थित। पहली बार सार्वजनिक स्थल पर बार सभाएं आयोजित, बच्चे दिखाएंगे अपना कला कौशल, शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों को भेजा निमंत्रण। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, NIT की 76 और GFTI की 1 सीट खाली, 107 कॉलेजों के लिए ज्वाइंट काउंसलिंग प्रारंभ। नई शिक्षा नीति पर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर का बयान, नई शिक्षा नीति शिक्षा में सुधार के सुझाव तो है कम पर लागू करने के उपाय कमजोर। नमस्कार।